ओके सो हाय गाइज, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइज, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ गाइज कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइज, इस फोटो एडिटिंग में मैं गाइज कुछ बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज़ करूँगा, जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजिली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइज, इस वीडियो में यार थोड़ा सा जो कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट है गाइज, उसको आप यार कंप्लीट देखना, क्योंकि गाइज कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप उस वाले पार्ट को देखोगे नहीं यार, तो आप सेम फोटो एडिट नहीं कर पाओगे। तो गाइज वाला पार्ट जरूर देखना भाई। गाइज अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइज, आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। फिर आपको जाना गाइज यहाँ से ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से ऐड करना है आपको अपने मॉडल को। एंड गाइज मॉडल को ऐड करने के बाद गाइज आपको कुछ स्टेप्स अपने मॉडल को यहाँ पे रख देना है, ठीक है? तो कुछ स्टेप्स जो पीछे बॉक्स टाइप का जो दिख रखा है आपको, वहाँ पे अपने मॉडल को बैठाना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइज मॉडल को रखने के बाद आपको यहाँ से जाना ऐड फोटो में, ठीक है? यहाँ से अभी डन नहीं करना है आपको, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको जाना ऐसे ऐड फोटो में डायरेक्ट। एंड ऐसा ऐड करना आपको ब्लैक कलर की भी इंजी, इसलिए ऐड करना है क्योंकि गाइस इससे बनाएंगे शेडो। तो अभी हम इसे मूव डाउन कर लेते हैं पहले, एंड इरेजर टूल में जाएंगे, इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश का साइज इंक्रीज करके रखेंगे। एंड ऐसे गाइस हम शेडो बनाएंगे फटाफट, यहाँ पे हम शेडो क्रिएट कर लेते हैं पहले। सो गाइस देखिए, हमारी जो शेडो यहाँ पे बन चुकी है, बट गाइस हमें पैरों के नीचे भी शेडो बनानी है, तो उसके लिए गाइस ऐड फोटो में जाएंगे, यहाँ से हम एक शेडो का पीएनजी ऐड करेंगे ये वाला, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो उसको हम फटाफट लगाते हैं यहाँ पे। सो गाइज देख सकते हैं आप, हमारी जो यहाँ पे शेडो भी लग चुकी है। एंड यहाँ पे गाइज हमारा मॉडल एकदम अच्छा लग रहा है यहाँ पे अब, तो अब हम इसको यहाँ पे डन कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से ऐड करेंगे एक पीएनजी और ये फ्लैग का, तो उसको हम ऐड करेंगे। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कुछ स्टेप से अपने हैंड के पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे इसको, ठीक है? कुछ साइज भी इतना रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। एंड इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइज आपको इसकी ओपेसिटी कम करनी है, इरेजर टूल में जाना है, इरेजर लेना है, हार्डनेस को फुल करना है, एंड यहाँ पे साइज छोटा करके आपको जो वेस्ट वाला एरिया जैसे कि आप बीच में हैंड में जो है आपको इसको इरेज कर लेना है। एंड गाइस इतना कर देने के बाद आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना है, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आपको एक विग्नेट का पीएनजी ये वाला, एंड इसको कुछ इस टाइप से रख देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करके, एंड कुछ इस टाइप से थोड़ी सी ओपेसिटी कम करके, एंड यहाँ पे डन कर देना है। अब गाइस हमारा ऐप जो है पिक्सार का काम खत्म हो चुका है, तो अब इसको यहाँ पर सेव करते हैं, एंड इसको लेकर चलते हैं लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में गाइस हमने फोटो को जो है पहले से ऐड कर रखा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइट वाला ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से गाइस हम इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको यहाँ पे हल्का सा बढ़ाएंगे, ये जो हाईलाइट है इसको थोड़ा सा कम करेंगे, शेडो है जो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, एंड जो व्हाइट है इसको हम यहाँ पर थोड़ा कम करेंगे, एंड जो ब्लैक है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर जाएंगे हम गाइस कलर्स में, यहाँ पे हम थोड़ा वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, फोटो का थोड़ा टेम्परेचर कम करेंगे, कलर मिक्स में जाएंगे, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, सैचुरेशन माइनस करेंगे, ल्यूमिनस थोड़ा फेस के अकॉर्डिंग बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे येलो कलर में, यहाँ पे फेस को थोड़ा ऑरेंज टोन देंगे तो माइनस करेंगे ह्यू। एंड उसके बाद जाएंगे यहाँ से हम डार्क ब्लू में, यहाँ से हम थोड़ा सैचुरेशन, अगर आपको ब्लू नहीं चाहिए तो सैचुरेशन माइनस कर देना, बट गाइस इसमें हमारे मैसेज वाले कलर जो ब्लू है तो सैचुरेशन माइनस मत करना, ठीक है? फिर इतना कर देने के बाद आपको सिंपली डन कर देना फोटो का, एंड जाना है नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पर फोटो की क्लियरिटी बढ़ानी है, फोटो में हल्का सा विग्नेट डालना है, एंड उसका नीचे आपको मिलेगा ग्रीन, आपको यहाँ पर ग्रीन को बढ़ा देना है। फिर जाना आपको नीचे वाला टूल में, यहाँ पे गाइस आपको फोटो की शार्पनेस बढ़ानी है, फोटो में थोड़ा नोड रिडक्शन डालना है, एंड इसके नीचे मिलेगा कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।